क्लिनिक प्लस प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी, आपका मनपसंद क्लिनिक प्लस अब सिर्फ 40 रुपए में। कई दिनों तक नहीं जाती तारा, रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी जरूर, लेकिन उम्र के लिहाज से हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम हम सबसे कुछ छिपा रही हो। घबराओ मत, मैं कुछ जानने नहीं आई, बस हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में प्यार बहुत नसीब से मिलता है, और प्यार के इस पवित्र बंधन को उस इंसान के साथ जोड़ना चाहिए जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता हो। और तारा, मैं चाहती हूँ कि इन फूलों की तरह तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा महकती रहे, बस इसीलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। अपने प्यार पर विश्वास करने से पहले अपने प्यार की परीक्षा जरूर ले लेना। मैं जानती हूँ भाभी, आप मेरी खुशी के बारे में बहुत सोचती हैं, बट यू डोंट वरी, प्यार के मामले में मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और जिस दिन मुझे अपने प्यार की सच्चाई पर पूरा यकीन हो जाएगा, उस दिन मैं ये सच सबको बता दूंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। एक बात पूछूं भाभी? पूछो ना। आप जिस गहराई से प्यार के बारे में सोचती हैं, कोई तो होगा जो आपके प्यार में पागल हुआ होगा, बताइए ना प्लीज। जिसका नहीं किनारा कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई, तूफानों में घिरी है, कुछ जानी कुछ जानी, सुनो आरत की जबानी, कुछ जानी कुछ पहचानी। तुम्हारे भैया है जो मुझे इतना चाहते हैं, वो तो है। भैया के मन में आपके लिए जितना प्यार है, पता नहीं उसके मन में भी मेरे लिए इतना प्यार होगा या नहीं, गॉड नोस। तू ये सब क्या करती रहती है हा? अरे क्या हासिल होगा इससे? तुझे कुछ चाहिए तो अपने पापा से बोल, क्या कमी है तुझे? पापा, आप तो एक दिन मुझे विदा करके मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जैसे दी के साथ किया। उसके बाद तो मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, बस उसी की तैयारी कर रही। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे किसी पर डिपेंड होना पड़े। अच्छा, तो तेरी नजरों में अपने पापा की यही इज्जत रह गई है? अरे तेरा पापा हूँ मैं जो चाहूंगा तेरे भले के लिए चाहूंगा। पापा, मैं भी तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। बस राधा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि तू राधा से अलग है, लेकिन नहीं,
मैं गलत था, तुम दोनों एक जैसी हो। क्या बात है, क्यों डांट रहे मेरी बेटी को? अरे वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है तो करने दीजिए ना, आपसे तो कुछ नहीं मांग रही। तुम्हारी छत्र छाया में ही बर्बाद हो रही है ये, इतना भी बढ़ावा मत दो कि लड़की हाथ से निकल जाए। मामा, पढ़ाई करने में कौन सी बुराई है, मैं काम ही तो कर रही हूँ। आज लड़कियाँ हर फील्ड में आगे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। फिर पापा को ऐसा क्यों लगता है कि काम कर कर मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तू जानती है ना अपने पापा को, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। कॉफी पिएगी? सिर्फ आपको ही पता है कि मुझे कब क्या चाहिए, पापा को तो कुछ भी पता नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे जो मन में आए तू कर, कोई और तेरा साथ देना दे, मैं तेरे साथ हूँ। हाय मम्मा, इट्स द बेस्ट। शायद अंधेरा मेरी जिंदगी में आ गया। ऐसा क्यों कह रही है माँ? तू अच्छी तरीके से जानती है देवयानी कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तूने अपने पिता को अपने घर में रहने की इजाजत क्यों दी? मॉम, मॉम मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डैड ने मेरे सामने हाथ जोड़े, मेरे पैर पकड़े, मुझसे उनके आंसू नहीं देखे गए मॉम। और मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं कि एक रोते बिलखते हुए इंसान को जिंदगी के हालात पे छोड़ दूं। तू जानती है ना, उसके आंसू झूठे हैं। उस इंसान के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं जानती हूँ मॉम, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं डैड को कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। कुछ भी कर दी यानी, अपने पिता को अपनी जिंदगी से दूर रख, उसका साया भी किसी के काम नहीं आ सकता। आधी जिंदगी बिताई है मैंने उसके साथ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ उसको और उसके इरादों को। बेटा वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है, वो तेरी जिंदगी में जहर घोल देना चाहता है। और मैं नहीं चाहती देवयानी कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं वही करूंगी जो आपने कहा है। मैं डैड को अपनी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करने दूंगी, ये वादा करती हूँ। अब तो आपको परेशान होने का कोई कारण नहीं है। वैसे ही हो तो अच्छा है, इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से बोला हुआ झूठ की सजा उसे खुद ही भुगतनी पड़ती है। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन अपने पापा की बदले का। मामा, मेरी शादी का जोड़ा देख रहे हो? हमेशा से सोचा करती थी कि एक दिन मैं अपनी संजना को शादी के जोड़े में देखूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि वो दिन बहुत जल्दी आ गया है। तुम्हारी डोली चली जाएगी और ये घर बहुत सोना हो जाएगा, सब कुछ होगा लेकिन तुम नहीं होगी। अपनी माँ के आगे पीछे शोर मचाए। मम्मा, मम्मा मेरा मन भी कहाँ उस घर में लगे। आप देखना, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आ जाए करूंगी। बेटियों का असली घर उसके पति का घर होता है, वहां तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा, तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी और इन जिम्मेदारियों को निभाना ही
तुम्हारा धर्म है, सब कुछ संभाल लेना। मैं सब संभाल लूंगी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? अरे पगली, बच्चे ही तो माँ बाप का विश्वास होते हैं। विशाल ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है, शादी के लिए बस 3 ही दिन बचे हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब काम कैसे होगा। मम्मा टेंशन मत लो प्लीज, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसे रोगे ना तो मैं फिर से यही बोलूंगी मुझे शादी नहीं करनी। आप रो मत, चलो हम डांस के रिहर्सल करेंगे। सिर्फ रो, हम डांस करेंगे, चलो पागल। मेरा दोस्त है नीलेश, एक दिन हम सब बैठे हुए थे तो अचानक उसकी घड़ी खराब हो गई, तो उसने तुरंत ही उस घड़ी का पोस्टमार्टम कर डाला, और पता है उसमें क्या था? मरी हुई मक्खी। तो उसने कहा ले ड्राइवर तुम्हारा पड़ा है, चलेगी कैसे? और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। हम लोग स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम मना रहे थे तो उसे तिरंगा लेने के लिए बाजार भेजा। वो दुकानदार के पास गया और उसने जैसे ही कुछ कहा दुकानदार तुरंत बेहोश हो गया। पता है उसने क्या कहा? क्या? भाई तिरंगे के कुछ और कलर बताओ। अच्छा अब एक और जोक। नहीं नहीं अजय प्लीज, तुम मुझे इतना मत हंसाओ, देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं हंसते हंसते। खुशी के आंसू है ना, हम के आंसू कभी नहीं आने चाहिए। अरे बड़ी अच्छी बातें करने लगे। इसी बात पर और एक जोक। अरे नहीं अजय सुनो ना। पता है स्वर्ग में एक बार भगवान खड़े हुए थे और तमाम इंसानों से कहा कि भाई जो इंसान अपनी पत्नी से दबकर जिंदगी गुजारते हुए हैं एक लाइन में आ जाओ, और जो इंसान अपनी पत्नी पर राज करते हुए हैं वो एक लाइन में आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद भगवान वापस आए तो देखा कि जो इंसान अपनी पत्नी से दबकर जिंदगी गुजार रहे थे उनकी लाइन भरी पड़ी, और जो इंसान अपनी पत्नी पर राज करने वाले थे उसमें एक ही बंदा खड़ा है। भगवान उनके पास गए और उन आदमियों को डांटते हुए कहा कि कुछ सीखो इस आदमी से। फिर भगवान उस आदमी के पास गए और कहा कि भाई कमाल है, तुमने तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। तो उस आदमी ने कहा कि भगवान ये कमाल अमाल तो मैं नहीं जानता, मेरी पत्नी ने कहा कि वो जब तक वापस ना आए मैं यही खड़ा रहूं। अजय तुम ये दोनों किस खुशी का जश्न मना रहे हैं? मुझे इस घर में किसी की भी खुशी नहीं चाहिए। इनकी हंसी को बहुत ही जल्द आंसुओं में बदल दूंगी मैं। ये देवयानी राधा और अजय की बातें कब से सुनने लगी? घर में इसका क्या चक्कर चल रहा है? टेंशन ही टेंशन है कसम से। ये कुछ डिजाइन्स हैं। इनमें से तो कुछ डिजाइन्स ऐसे हैं जो बहुत ही खास लोगों को बिलोंग करते हैं। आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद आया या नहीं? ये सब डिजाइन्स एक से बढ़कर एक हैं। जी तो करता है कि अपनी संजना के लिए सब बनवा दो, लेकिन हम इतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारी आंटी ही डिसाइड करेगी कि इनमें से बेस्ट डिजाइन कौन सी है। इसमें से ना ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया।
ये संजना को बहुत सूट करेगा। क्यों? वेरी गुड चॉइस। आपको पता है ये डिजाइन यूएसए की उस औरत का है जिसकी शादी सबसे लंबी चली थी। अच्छा? हाँ, देखना हमारी संजना की शादी भी बहुत ही मशहूर होगी। चलिए ये डिजाइन अब आपके। ये डिजाइन हम आज ही ज्वेलर के पास भेज देंगे। क्या है ना, शादी के लिए बहुत कम वक्त है और एक हमेशा से घबराहट होती है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया। हमारी एक ही तो बेटी है ना, उसकी शादी में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा दी की शादी में ना मम्मा की भी यही हालत थी। खुशी के साथ साथ एक घबराहट हमेशा रहती है, लेकिन देखा ना दी की शादी कितनी अच्छे से हो गई और वो अपने घर में कितनी खुश है। हमारी संजना की शादी भी बहुत अच्छे से होगी। वैसे ब्राइड टू भी है कहाँ, नजर नहीं आ रही? वो विशाल के साथ ऋतु के घर गए लंच के लिए। आप अकेले? संजू का है? मतलब संजना नहीं आई अभी? हाला, मैंने उससे बोला था सीधा यहाँ आने के लिए और उसे घर से निकले पूरा एक घंटा हो गया। केयरलेस कर। कोई बात नहीं, वो आती होगी। आप बैठिए ना। मैं संजना का इंतजार 5 मिनट करूंगा, अगर वो आती है ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ बैठ तो सकते हैं ना। यहाँ बैठ के आराम से उसका इंतजार कीजिए। अच्छा तो बताइए कि आप हमारी संजू को कितना जान पाए हैं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में आपको क्या क्या मालूम है? अच्छा तो ये बताइए कि शादी के रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं? डू यू बिलीव इन इट? कमाल है, मैं तुम इंडियंस को आज तक समझ नहीं पाया। तुमने मुझे लंच पे बुलाया या फिर इंटरोगेशन करने के लिए? मिस्टर विशाल, संजू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पूरा पूरा हक है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। और ये आप इंडियंस के बारे में क्या कह रहे हैं? I don't bother, Miss Ritu. You should, Mr. Vishal. आप तो इंडिया की बुराई करने का कोई हक नहीं। अगर आपको इंडिया पसंद नहीं है तो कम से कम यहाँ के लोगों का अपमान तो मत कीजिए। और हाँ, अगर आपको इंडिया पसंद ही नहीं है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चले जाइए विदेश और आप खुद जाइए एक विदेशी। विशाल, आप यहाँ से जा रहे हैं या फिर इंडिया से? आई थिंक इट्स इनफ मिस रितु। लगता है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई है मिस्टर विशाल। ईगो मेरी नहीं, आपकी हर्ट हुई है, बिकॉज यू आर ईगोइस्टिक गर्ल। और ये बात मैं पहले दिन से जानता था। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आप संजना की सहेली हैं। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस पिटी टॉपिक्स। बाय मिस्टर विशाल। आई एम सॉरी रितु, आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट हो गई। तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। I'm really sorry. आप कब आए? देखो संजना, मैं तुम्हारी सहेली के घर पहली और आखिरी बार आ रहा हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए भी नहीं। हेलो जी, एक मिनट, सुनिए, आपके किसी ब्रोकर का फोन है। हेलो, हाँ क्या? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता? क्या हो गया जी? मतलब किसी ने मार्केट में हमारी कंपनी के डुप्लीकेट शेयर उतार दिए
उससे हमारे शेर की कीमत आधी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मंगला, ऐसा हुआ है। लेकिन लेकिन वो कौन है जो जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? क्लिनिक प्लस प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी, आपका मनपसंद क्लिनिक प्लस अब सिर्फ